हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल बिट में। तो दोस्तों, मैंने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड करके 4,157 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया। तो मैंने ये प्रॉफिट कैसे बुक किया वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा अपने चार्ट पर। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पर लेकर आता रहूंगा। और अगर आपको कुछ डाउट है और मेरे वीडियो में समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज मेरे मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और अच्छा लग रहा है तो वो भी मुझे अपने मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप डायरेक्ट जाकर मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ समझने में प्रॉब्लम होता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको अपने चार्ट पर लेकर चलता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या रीजन था मैंने क्यों ट्रेड लिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। इस टाइम फ्रेम में दोस्तों आज जो है बैंक निफ्टी इसी प्राइस से रिजेक्ट हुआ। तो देखिए दोस्तों, उसी समय में देखिए, ये पिछले 3-4 बार में प्राइस यहीं इसी लेवल से रिजेक्ट हो रहा था। एक बार, दो बार, तीन बार, और ये कुछ दिन पहले ही 27 मार्च के दिन प्राइस फिर से यहाँ से रिजेक्ट हुआ था। तो एक सप्लाई जोन बन गया दोस्तों, इस पॉइंट को जोड़ते हुए एक मैंने एक सप्लाई जोन बनाया। और देखिए आज भी प्राइस यहाँ से ही रिजेक्ट हुआ। तो दोस्तों ये एक रीजन था, यहाँ से जो है बैंक निफ्टी रिवर्स हुआ। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से प्राइस नीचे गया और बहुत ही जल्दी 3 मिनट में इसने 300 पॉइंट का मूवमेंट दिया। और ये फिर जो है प्राइस मूव करते करते मेरे एक सपोर्ट जोन, जो मेरा 30 मिनट का टाइम फ्रेम का एक सपोर्ट जोन था, देखिए एक ट्रेंड लाइन था 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर ही आकर बैंक निफ्टी ने यहाँ पर आके एक सपोर्ट लिया। फिर ये दूसरी बार इसने एक सपोर्ट लिया। जब ये सपोर्ट ले रहा था तो मुझे एक ट्रेंड लाइन फिर से दिखा, मुझे बाय की अपॉर्चुनिटी दिखी यहाँ पर। वो मैं दिखाता हूँ कैसे मुझे बाय की अपॉर्चुनिटी दिखी। देखिए मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक ट्रेंड लाइन मुझे दिखा यहाँ पर। इसने एक बार टच किया, दो बार टच किया, तीन बार, चार बार टच किया, और इसने इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इसने एक की जो है रेसिस्टेंस को भी ब्रेक किया था। तो रेसिस्टेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसने एक बार, दो बार, तीन बार, और पिछले एक बार इधर भी बहुत बार ये प्राइस यहाँ इसी पॉइंट से रिजेक्ट हो चुका था। प्राइस इसने इसको ब्रेकआउट दिया, इस पर सपोर्ट भी लिया। तो यहाँ पर मुझे बाय की अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, बट मेरा टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं था। टारगेट मेरा था सिर्फ नेक्स्ट स्विंग हाई, जो ये नेक्स्ट स्विंग हाई यहाँ पर मेरा टारगेट था। अब प्राइस देखिए ऑलमोस्ट वहीं पर आकर जो है वहीं से प्राइस जो है रिवर्स हुआ। बट मेरा रिस्क रिवार्ड इसमें मेंटेन नहीं हो रहा था, मेरा रिस्क ज्यादा हो रहा था, रिवार्ड मुझे कम मिला था। 1:1 का रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो नहीं मिल रहा था, इसी कारण मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। तो मुझे दोस्तों उसके बाद कुछ थोड़ी ही देर में मुझे एक और अपॉर्चुनिटी दिखी। इसने एक बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बनाया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर इसने लेफ्ट शोल्डर, इसका हेड, इसका राइट शोल्डर। तो दोस्तों इसने इस पैटर्न को ब्रेकआउट दिया, इस पैटर्न को ब्रेकआउट दिया, और एक सपोर्ट जो येलो लाइन में जो पहले रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था वो सपोर्ट बन गया, उसको भी ब्रेकआउट दिया, उसको ब्रेकआउट दिया, और उसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर था उसको भी ब्रेकआउट दिया, उसको ब्रेकआउट दिया। और इसने देखिए कैंडल पैटर्न भी देखिए, 3 कंटिन्यू लोअर लो जो ब्रेक करता है कैंडल, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। तो कैंडल ने इसको भी, इस सपोर्ट को भी ब्रेक किया, और अच्छे कैंडलस्टिक कंफर्मेशन के साथ, अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। तो दोस्तों इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ब्रेकआउट दिया, एक सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसको ब्रेकआउट दिया, और एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया जो कंटिन्यू 3 लोअर लो, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न, इसने इसको ब्रेकआउट दिया। तो देखिए मैंने कहीं यहीं पर सेल किया था इसको, और मैंने इस कैंडल के ऊपर इसका स्टॉप लॉस लगाया था, और देखिए मैं मुझे आसानी से 200 पॉइंट मिल गया। मैंने 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया था, 60-70 पॉइंट का, और मुझे मैंने 200 पॉइंट का टारगेट बुक किया। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 4,157 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया। तो दोस्तों मैंने मल्टीपल कंफर्म, जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं एक एक कंफर्मेशन पर कभी भी ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं 2-3 कंफर्मेशन जरूर देखता हूँ ट्रेड लेने के लिए, मिनिमम 2 तो देखता ही देखता हूँ। जैसा कि आप मैंने बताया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, एक सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, और एक कैंडल स्टिक पैटर्न में, तो यहाँ पर 3-3 कंफर्मेशन था। इसके लिए मैंने इस ट्रेड को लिया और देखिए मैंने प्रॉफिट बुक किया। तो दोस्तों इस तरह का जो है, इस तरह का पैटर्न जो है हमेशा आपको चार्ट पे मिलता रहेगा, बस आपको खोजना पड़ेगा वो चार्ट पर। तो आप जब कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो, मेरे चैनल को देखने के लिए।